हाय फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा टाइफाइड फीवर का 100% इलाज कैसे पॉसिबल है। इसमें आपको जो दवाएं बताई जाएंगी, एलोपैथिक मेडिसिन जिसको 2 हफ्ते आपको लेना है, तो वो मेडिसिन इस प्रकार हैं। खाली पेट आपको लेना है हाफ एन आवर बिफोर मील और ब्रेकफास्ट। सुबह के समय 1 कैप्सूल पेंटाप डीएसआर का। फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है 1/2 घंटे बाद। उसके बाद लेना है आपको गुड सेफ सीवी सुबह शाम 1 टैबलेट। उसके बाद आपको लेना है डोलो 650 mg सुबह दोपहर शाम। उसके बाद आपको लेना है सिरप लिफ 52 DS 5 ml सुबह शाम। उसके बाद आपको लेना है गुड हेल्थ टैबलेट जो डॉक्टर विश्वास के नाम पे आपको मिलेगा गुड हेल्थ का, खाना खाने के बाद सुबह शाम। ये मेडिसिन्स को आपको कंटिन्यू रखना है 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते मतलब 14 दिन। 14 दिन के बाद टाइफाइड में कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन्स नहीं सेवन करना चाहिए। इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे लीवर में सूजन या मतलब किसी टाइप का भी साइड इफ़ेक्ट शो कर सकता है। जब एलोपैथिक मेडिसिन 14 दिन हो जाए खाके, तो आप 14 दिन के बाद एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल ना टच करें, इसे बंद कर दें। इसके बाद लेना है आपको 2 महीने तक आयुर्वेदिक महासुदर्शन काढ़ा 10 ml सुबह 10 ml शाम को 10 ml पानी में मिक्स करके लेना है। इसको आपको 2 महीने कंटिन्यू लेना है। कितना भी पुराना टाइफाइड हो, कहीं पे भी छिपके बैठा हो, ज़रूरी निकल के भाग जाएगा या ख़त्म हो जाएगा इस नुस्खे के अनुसार। और फिर आपको लेना है महासुदर्शन काढ़ा लेने के साथ साथ एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट पर वीक, हर हफ्ते 1 गोली लेना है 2 महीने तक।